गुजरात कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला खेड़ा जिले की कपड़वंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वाघेला कल सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल दोपहर 12:39 पर नरेंद्र मोदी भी पर्चा भरने वाले हैं। मोदी मणिनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं और अब शंकर सिंह वाघेला भी चुनाव लड़ने वाले हैं, उसका ऐलान भी कर दिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वाघेला, वो भी चुनाव के मैदान में उतरेंगे और कल वो भी अपना नामांकन करेंगे, तब जबकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। जी हाँ कुमारा, और इसी के साथ जो गुजरात चुनाव का घमासान है वह काफी तेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना ट्रंप कार्ड चलाया। जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है कि मोदी के मुकाबले गुजरात में कांग्रेस का नेता कौन है, तो जाहिर है कांग्रेस अब शंकर सिंह वाघेला को एक विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, मोदी के सामने मुकाबले के लिए सीधे सीधे खड़ा कर सकती है और शायद इसी नियत के तहत एक ट्रंप कार्ड के तौर पर शंकर सिंह वाघेला को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। वो खेड़ा जिले की कपड़वंज सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी कपड़वंज में जब वो लोकसभा की सीट थी, वाघेला दो बार 1999 और 2004 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था और केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्री बने थे। इस बार उनका महत्व किस कदर था कि कांग्रेस ने न सिर्फ उन्हें कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया बल्कि उनको और सम्मान देते हुए जो ITDC है उसमें उनको चेयरमैन बनाया गया और कैबिनेट रैंक दिया गया। और इस तरीके से अब शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतार कर सीधे सीधे मोदी के लिए चुनौती पेश की है और जाहिर है चुनाव जो है शंकर सिंह वाघेला बनाम नरेंद्र मोदी के तौर पर अगले कुछ दिनों में लगातार देखा जाता रहेगा। तुम्हारा जी हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना ट्रंप कार्ड चला है शंकर सिंह वाघेला के रूप में।